पटना में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को जिले में कुल 372 नए मामले सामने आए, इनमें पीएमसीएच के 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। गया के मोशरूम गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। तीनों बाइक सवार झारखंड से शराब पीकर वापस लौट रहे थे। सुपौल पुलिस ने 3 हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के रूप में की गई है। बेतिया पुलिस ने 2 अपराधियों को बाइक, देसी कट्टा और अन्य हथियारों के साथ धर दबोचा। हालांकि इस दौरान 3 अपराधी भागने में सफल रहे। भागने वाले 3 अपराधियों की पहचान कर ली गई है। पूर्णिया पुलिस ने रघुवंश नगर थाना क्षेत्र से 2 इनामी कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। मामले में एसपी ने बताया कि दोनों अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। नालंदा में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सोसराय थाना क्षेत्र के जलालपुर मोहल्ले की है। झारखंड के लातेहार में बाइक सवार अपराधियों ने रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर निजी कंपनी कर्मचारी को गोली मार दी। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीसराय जिले के झुलोना गांव के पास ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मोतिहारी के पारसोनी में आग लगने के कारण दर्जनों घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि देखते देखते कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस घटना में पुत्र पुत्री भी आग में झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुजफ्फरपुर आग लगने के कारण कई मवेशियों की मौत हो गई, साथ ही लगभग 1.5 दर्जन घर जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड में आग लगने से लगभग 20 घर जलकर राख हो गए। खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी के कारण आग लगी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू के गिद्धौड़ में फसल में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ितों के अनुसार मशीन चालू करने के दौरान आग लग गई। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड में दोल महोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान श्रद्धालु अबीर खेलते हुए कलश विसर्जन करने पहुंचे। समापन में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। गेट की परीक्षा में देश भर में 98 स्थान लाने वाले गुमला के मितुल कुमार को स्वयंसेवी संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। मितुल के पिता ट्यूशन पढ़ाकर जीविका चलाते हैं।